एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ बारिश हो रही है। वैसे तो मैंने सुना है कि सारी ही जगहों पे बारिश हो रही है। और यहाँ क्या करती, मैं खाली बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो आज कटिंग कर लेती हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत मुझे ठीक लगी थी तो मैंने कहा चलो आज कटिंग कर लेती हूँ। तो ये यहाँ एक मौसी जी थी तो उनका ब्लाउज मैं कट कर रही थी। सूट और ब्लाउज दोनों कट करने थे बट मैंने आप लोगों के साथ इसकी कटिंग शेयर नहीं करी है। सो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा जल्दबाजी में थी। सो वीडियो बनाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो इस वजह से मैंने कटिंग शेयर नहीं करी आप लोगों के साथ। और मैं यहाँ पे अपनी कटिंग कर लूँगी तो मैं उनका नाप वगैरह देख रही थी। कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, जितना ही ज़रूरत होती है उतना ही कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग भी देखो ये परी खाली बैठी बैठी क्या करती रहती है। देखो सारी ज्वेलरी निकाल के, ये ज्वेलरी की दुकान बनी हुई है यार। और ये मेरी सारी चुन्नियाँ निकाल रखी हैं, ये देखो इसका ये लुक देखो, ये कौन सा लुक बनाया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये परी क्या बनी हो। तुम मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम बनी क्या हो, क्या बनी हो? कुछ नहीं, मैं तो खेल रही। क्या खेल है ये, कौन सा खेल है ये? देखो जरा परी को, किसी को इयररिंग्स वगैरह चाहिए तो ले लो परी से। देखो परी ने दुकान लगा रखी है और लोग कानों में पहनते हैं, परी ने चोटी में भी पहन रखे हैं। ये देखो चोटियों में इयररिंग्स लटक रहे हैं, ये देखो यहाँ कपड़ों में भी इयररिंग्स लटक रहे हैं, ये देखो सब जगह। और ये चुन्नियाँ निकाल के ले आई है ये परी ने, मुझे नहीं पता कौन सा लुक बनाया है। और मुझसे कह रही थी कि मम्मी मेरी वीडियो मत बनाओ। अब ये देखना जरा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये कौन सा लुक है, ठीक है? और ये दो चुटियों पे ये कौन सा लुक इसने, कौन सा वाला लुक बनाया है ये, क्यों? और शौर ने बहुत ज़्यादा हंस रहा है। शौर ये परी ने कौन सा लुक बनाया है भाई? दुकान वाला। शौर ने कह रहा है कि परी ने दुकान वाला लुक बनाया, मतलब दुकान बन गई है। बहन जी इयररिंग्स कितने के? 50 रुपये के। तो किसी को चाहिए 50 रुपये में इयररिंग्स? हेलो, यहाँ मम्मी बेटे लेटे हुए हैं और परी तो अपना आज फैशन करने में लगी पड़ी है, सारा सामान निकाल लिया है। कल रात में 11 बजे परी मेकअप कर रही थी अपना, रात में काजल लग रहा था, लिप ग्लॉस लग रहा था, चुटियाँ बन रही थी, पता नहीं कहाँ जा रही थी। और हम दोनों माँ बेटे लेटे हैं भैया, हम दोनों तो अपने शांति से लेट जाते हैं और बस वो अपने कारनामे करती रहती है। और वैसे तो शैतान ये भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा शैतान है, सबसे ज्यादा सतानी तो यही रहता है। शौर मम्मी से प्यार करता है? कितना? कितना? बहुत। पहले बता कितने किलो करता है? 500 किलो करता है। 500 किलो करता है, इसे 500 किलो पता है कितना होता है? कितना होता है 500 किलो? 500 केजी। 500 केजी होता है ना? और परी तो अभी फिर से तैयार हो रही है, दुकान बनी हुई है। किसी को इयररिंग्स वगैरह लेने हो तो प्लीज़ बता देना, परी के पास बहुत सारे इयररिंग्स हैं, चोटियों में भी लटक रहे हैं इयररिंग्स, इतने सारे हो रखे हैं। कान में नहीं है, नया फैशन निकाला है परी ने। तो यहाँ आज मुझे फिर से वही जो चटपटी सी मिर्चें बनती हैं तो मुझे आज वही बनानी थी, क्योंकि उस दिन मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वो, तो आज दोबारा से बना रहे हैं। तो ये रही ग्रीन ग्रीन मिर्चें, तो आज हम इनको बनाएंगे। तो यहाँ मैंने आमी कट कर ली है, मिर्चें भी कट कर ली हैं और ये इतनी सारी प्याज कट कर ली है, तो आज हम दोबारा से मिर्चें बनाएंगे। और यहाँ मैं बना रही थी अरहर की दाल। वैसे तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आलू के पराठे बना लो, पर आलू के पराठे ना मैं सुबह बनाऊंगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए ना दाल को भिगो के रख देती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ दाल। तो मैं यहाँ पे तब तक अपनी मिर्चें छोक दूंगी और तब तक मैं और तैयारी भी कर लूँगी। दाल को मैंने भिगो दिया है, थोड़े से चावल भी बनाऊंगी, तो चावलों को मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, उनको भी अभी साफ़ करती हूँ। और यहाँ मैं अपना जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी है और बस इनको अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और मैंने जो अपनी आमी है ना, जो आमी काटी थी, मैं आमी को ना कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस करने से ये होता है ना कि मतलब वो ना सारी मिर्चों में ना अच्छे से ना वो मिल जाती है, और अगर आप ना बड़े बड़े से पीस काट दो ना तो वो अच्छे से मिलती नहीं है, तो कद्दूकस करने से ना अच्छी सी हो जाती है और सारी मिर्चों में मिक्स हो जाती है। तो यहाँ मेरी प्याज भी भुन चुकी थी, आमी मेरी कद्दूकस हो चुकी थी, मिर्चें मेरी कटी हुई थी।
तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ कौन कौन ऐसी मिर्चें पसंद करता है। और वैसे अब की बार जो मैंने मिर्चें बनाई हैं ये बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी हैं, शौर्य ने तो काफ़ी खाई हैं। और यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया था और यहाँ मैं अपनी कटी हुई मिर्चें भी डाल दूँगी। और ये मिर्चें ये है कि ये मिर्चें ख़राब नहीं होती हैं, फ्रिज में रख दो आप, मेरी तो 4-5-6 दिन चल जाती हैं मिर्चें आराम से, और इतनी मिर्चें आराम से चल जाएंगी। और ये मिर्चें तीखी नहीं होती ना, तो बच्चे भी खा लेते हैं और पापा को भी बहुत अच्छी लगती हैं। और वैसे भी हरी मिर्चें तो खानी ही चाहिए क्योंकि हरी मिर्च हमारे पेट वेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो प्लीज़ मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों में से किस किस के यहाँ ऐसी मिर्चें बनती हैं। और आप लोगों को जो मम्मी ने आमी की सब्ज़ी बनाई थी वो भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, पर सच में मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती लगी। मैंने थोड़ी सी ली भी थी खाने के लिए पर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कहते हैं ना, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, जब आपको अच्छी नहीं लगती है तो नहीं लगती है। तो यहाँ मैं दाल चढ़ा दी है मैंने, और आप सोच रहे होंगे कि दीदी ने अभी टमाटर और हरी मिर्च वगैरह क्यों डाल दी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दाल को ना लहसुन से और जीरे से ही तड़का लगाऊंगी, क्योंकि पता है आप लोगों को प्याज व्याज वाली दाल ना बच्चे नहीं खाते। पता है इसमें से भी ना टमाटर, धनिया और ये मिर्च विर्च सब निकाल के फेंक दी जाएंगी, बच्चे नहीं खाएंगे। अब समझ में नहीं आता है बच्चों की वजह से क्या बनाओ क्या ना बनाओ। तो यहाँ मैंने चावल निकाल लेते ना, तो चावल में मुझे छोटे छोटे ना कीड़े से लग रहे थे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो गया है तो बारिश के मौसम में ना हर चीज़ में ना कीड़े कीड़े से नहीं हो जाते, वो छोटे छोटे से। तो मैंने कहा क्या करूँ यार, इनको किस तरीके से निकालूँ। तो मैंने जो आटे वाली छलनी है ना उससे छान दिया था। और यहाँ ना जो विनेगर होता है, जो चाउमीन में हमारे विनेगर डालते हैं, तो यहाँ मैंने इसमें एक ढक्कन विनेगर डाल दिया है। विनेगर डालने से भी, अगर आपके पास आमी वगैरह भी नहीं है तो आप इसमें विनेगर डाल सकते हो, बट मैं डाल देती हूँ आमी के साथ साथ एक ढक्कन विनेगर भी डाल देती हूँ। देखो और यहाँ मेरी मिर्चें रेडी हो चुकी हैं और सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मिर्ची। अगर आप सब्जी भी ना बनाओ ना, तो सब्जी मतलब ऐसी रोटी के साथ और परांठे वरांठे सेको उसके साथ खा लो आराम से। और यहाँ मैं लगा रही थी अपनी दाल में तड़का, और यहाँ मैं अपनी दाल वाल को भी तैयार कर लूँगी। और बच्चे कह रहे थे मम्मी जल्दी खाना बनाओ जल्दी खाना बनाओ, क्योंकि आज मुझे बच्चों के साथ ना खेलना था, क्योंकि आज ना मतलब टीवी में ना सिग्नल नहीं आ रहे थे। बारिश 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है तो टीवी में सिग्नल नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। तो बच्चे कह रहे थे मम्मी जल्दी आ जाओ हम खेलेंगे हम खेलेंगे। तो यहाँ मैंने अपनी दाल में धनिया डाल दिया है, और सिंपल सोबर सा खाना अच्छा लगता है। थोड़ी सी मम्मी ने सुबह तोरी की सब्ज़ी बनाई थी तो तोरी की सब्ज़ी भी रखी हुई थी। तो यहाँ मैंने दाल ना कटोरे में पलट दी, और मैं इसी कुकर में ना चावल छोंक दूंगी। तो चावल मैं इस टाइम ना छोंक के इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अभी आजकल बारिश वारिश भी हो रही है और खांसी जुकाम वगैरह होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ काली मिर्च और लौंग और जीरे से ना चावल छोंक देती हूँ, जिससे कि ना कहते हैं चावल की जो ठंडक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं यहाँ पर अपने चावल भी छोंक दूँगी, और बस मेरा सारा काम हो ही चुका है। बर्तन मेरे धुल चुके हैं, दाल बन चुकी है, और मिर्चें भी आप लोगों के साथ बनाई ली मैंने। और ये लो मैं कुकर बंद कर दूंगी, और कुकर बंद करने के बाद, और इसी बीच यार मैंने जैसे ही कुकर चढ़ाया मेरा हो गया सिलेंडर ख़त्म। फिर मैं क्या करती, फिर मैंने फटाफट से मतलब मेरे चावल ना आधे पके रह गए, फिर मैंने उसके बाद फटाफट से सिलेंडर निकाला सिलेंडर लगाया। पता है मेरे, आप लोगों को पता है पहले मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता था, पर सिलेंडर लगाना मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, उन्होंने ही मुझे बताया था कि इस तरीके से सिलेंडर लगता है। पहले मुझे सिलेंडर लगाना ही नहीं आता था मैं मतलब जब सिलेंडर हमारे वहाँ मायके में सिलेंडर ख़त्म हो जाता था तो हम किसी को ढूंढते थे कि किससे सिलेंडर लगवाएं किससे लगवाएं, क्योंकि पापा होते नहीं थे घर पे। फिर पापा ने एक दिन बताया कि इस तरीके से सिलेंडर लगता है, और यहाँ मैं अपना सिलेंडर लगा दूंगी। और आजकल सिलेंडर पता नहीं क्यों अब की बार सिलेंडर थोड़ा जल्दी सा ख़त्म हो गया है, मेरे ख्याल से सिलेंडर अब की बार थोड़ा बहुत कम होगा। और यहाँ मैं और बच्चे खेल रहे थे मम्मी के साथ, जो 16 पर्ची डब वाला गेम होता है ना, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा बचपन में खेला होगा, मैंने तो बहुत ये गेम खेला है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ ये बच्चे चीटिंग कर रहे थे मेरे साथ बहुत ज़्यादा, तो मम्मी को भी ज़बरदस्ती बुला लिया था, मुझसे कह रहे कि जल्दी खाना बना लो और हम 16 पर्ची डब खेलेंगे, और मम्मी को भी बुला लिया, मम्मी भी खेलने दी। बेईमानी तो ये दोनों इतनी करते हैं कि कुछ पूछो मत, लेकिन क्या करें हम, बच्चे भी कहाँ जाएं बच्चे भी। तो मैं अपनी पर्चियाँ छुपा रही थी क्योंकि शौर्य मेरी पर्ची देखने के लिए कर, देखो शौर्य को देखो, शौर्य तो अपनी पर्ची खुली रख रहा था मेरे सामने, मतलब इसे देखो देखो आप इसकी।
आप इसकी हरकतें ऐसे कितना भी मना करो शैतानी करने के लिए, लेकिन शैतानी देने से बाज नहीं आता है ये, सच में क्या करूँ मैं। और यहाँ पे मेरे साथ ये दोनों भाई बहन मिलके चीटिंग कर रहे थे, मुझे इतनी देर से बुला रहे थे कि मम्मी आ जाओ मम्मी आ जाओ, और मैं आ गई हूँ तो मेरे साथ चीटिंग कर रहे। ये दोनों मम्मी को समझा रहे थे कि आपको खेलना आता है या नहीं आता, मम्मी कह रही हाँ हाँ हमें खेलना आता है। तो यहाँ हम चारों लोग मिलके सोलह पर चीट अप कर रहे थे, क्योंकि टीवी के सिग्नल आ नहीं रहते, तो इस वजह से आज टीवी इसीलिए ही बंद था। कम से कम दसियों बार इन लोगों ने टीवी चला के देख लिया, पर टीवी के सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो इन्हें शैतानी देनी देनी थी। तो यहाँ पे हमने कम से कम आधा एक घंटे तक सोलह पर्ची ढब वाला गेम खेला, और फिर उसके बाद मैंने खाना पीना भी बनाया। बच्चे भी क्या करें, परेशान हो जाते हैं, तो आप लोग भी इसी तरीके से बच्चों के साथ थोड़ा बहुत गेम खेला करिए। मैं तो जब खाली होती हूँ तो इनके साथ गेम खेल लेती हूँ कभी कभी, इंस्टा पे वो इंस्टा पे रील बना लेती हूँ, तो बच्चों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और उनके साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। और कभी इनके साथ लूडो खेल लेती हूँ, कभी इनके साथ अगर ये डांस वगैरह करते हैं तो मैं तो डांस भी करने लगती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ देखो बच्चा बनना पड़ता है। और अभी इस टाइम बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर हम इन्हें ज़्यादा डांटते हैं, डांटती भी हूँ मैं, पिटाई भी लगा देती हूँ, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा बहुत देखो हमें इनके साथ बच्चा तो बनना पड़ेगा, बच्चा शैतानी करने के लिए कहाँ जाएगा। अभी आजकल बच्चों को बाहर भी भेजा नहीं जा रहा है, टीवी भी बच्चा कितनी देर देखे, तो वो भी बोर ही हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पापा यूँ बोलते थे कि बच्चे और बंदर एक जैसे होते हैं, कि वो कभी भी एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, तो कभी कभी तो सच में इतना परेशान कर देते हैं, मैं मतलब किलस भी जाती हूँ, लेकिन क्या करें, पूरा दिन तो सोते नहीं है। और मतलब मेरे जैसे कि मेरा थोड़ा बहुत सोने का टाइम होएगा ना तभी आ जाएंगे, और देखो शौर्य देख रहा था बार बार, और ये ऐसे ही करता रहता है और मेरे से कह रहा था कि मम्मी अच्छी सी पर्ची दो अच्छी सी पर्ची दो ताकि मैं जीत जाऊँ। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय करिए। टाइम और खाना पीना सब हो चुका है मेरा, बस थोड़ा सा कमरा समेट रही थी मैं, कमरा बहुत ज़्यादा बच्चों ने सारी चीज़ें उतन उतन के फेंक दी हैं बच्चों ने, सच में इतने शैतान है कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा सारा सारे कमरे में सामान फैला देते, कुछ तो मेरा ही सामान फैला रहता है और कुछ बाकी बच्चे फैला देते हैं। और आपको जो बच्चों के टास्क वाली वीडियो थी जो मैंने दलिए का टास्क रखा था, तो वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता है क्या, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं, पता है दाल बनाऊंगी ना तो उबली हुई दाल खाते हैं, अगर मैं उसमें प्याज का या फिर मतलब धनिया वनिया इन चीज़ों को डाल दूंगी ना तो सारी चीज़ें बाहर निकाल के फेंक देते हैं वो, तो मतलब है ना बच्चों को ना थोड़ा सा लालच दे के ना मुझे इस तरीके का टास्क रखना पड़ता है। और अब मैं ना किस दिन ना ऐसी ना दाल वाल का टास्क भी रखूँगी, क्योंकि सच में इन्होंने इतना ना दिमाग ख़राब कर रखा है, कोई सब्जी नहीं खानी है इन्होंने बच्चों ने, मतलब प्याज नहीं खानी, वैसे सलाद में प्याज खा लेंगे लेकिन सब्जी में प्याज नहीं खाएंगे, टमाटर नहीं खाएंगे, वैसे टमाटर खा लेंगे लेकिन सब्जी में टमाटर नहीं खाएंगे, धनिया नहीं खाते हैं, इतना दिमाग ख़राब कर रखा है इन बच्चों ने सच में बहुत ज़्यादा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके घर में भी बच्चे ऐसे हैं, सच में समझ में नहीं आता इनकी वजह से क्या बना, रोज़ आलू के पराठे आलू की सब्जी आलू के पराठे आलू की सब्जी बस यही बना के खिलाओ। और आप लोगों ने जो बच्चों का दलिए वाला टास्क रखा था और जो वो वीडियो है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, मुझे भी सच में खा नहीं रहते, मैंने भी वो वीडियो मतलब उनको लालच दे दे के बनवाई थी, खा नहीं रहते चॉकलेट का लालच दिया था, और पेंस भी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि दीदी पेन भी दोनों को आधे आधे दे दो, हाँ तो मैंने पेन भी दोनों को आधे आधे दे दिए थे। और आप लोगों को पता है यार माँ बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, तो मैं तो वैसे भी नहीं कर सकती यार, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और अपने सजेशन देते हैं, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपना प्यार मेरे साथ इसी तरीके से बना के रखना, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मैं परीश और सब किस चीज़ का टास्क करवाऊँ। वो कहते हैं मम्मी हमें अपनी वीडियो में मत लाया करो हमारी उस दिन तो यूँ कह रहे कि मम्मी आप है ना मतलब अपने ब्लॉग के चक्कर में हमारी रेल बना रही हो मुझे इतनी हंसी आ रही इतनी हंसी आ रही। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना,
तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।